हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केके वर्ल्ड, माय न्यू चैनल। अभी हम है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंच गए हैं लेपाक्षी टेंपल के लिए। लेपाक्षी टेंपल, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है जो कि अब जैसे जैसे आगे चलता जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। लेपाक्षी, तो शुरू में पहले मैं आपको लेपाक्षी, इस मंदिर को लेपाक्षी क्यों बोलते हैं और इसका नाम क्यों दिया गया है, इसके लिए हम रामायण का, इसका रामायण के साथ उल्लेख हुआ है, इसके मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ। जो कि जब रावण सीता माया का हरण कर रहे थे, उस टाइम जटायु जो पक्षी था उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की थी, उनके साथ युद्ध किया था, लेकिन रावण ने उनको घायल कर दिया था उस युद्ध में। और जब वो घायल मूर्छित हुए पड़े हुए थे, उस टाइम पे जब राम सीता मैया को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जटायु मूर्छित पड़े हुए हैं। तो उन्होंने जटायु को कहा कि उठो पक्षी, यानी लेपाक्षी। लेपाक्षी का मतलब होता है उठो पक्षी। तो उसी टाइम से इस मंदिर को लेपाक्षी टेंपल बोलते हैं। और आगे भी बहुत कहानियाँ हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले। देखो अभी ये आगे जो ये मूर्ति है, ये नंदी की मूर्ति है, ये बहुत बड़ी मूर्ति है, एक ही पत्थर की बनाई हुई है। देखो ये मंदिर पूरा पत्थर में बनाया हुआ है। और जैसे जैसे आगे जाऊंगा मैं आपको एक एक कहानी बताते जाऊंगा। वीरूपन्ना ने बनाया था इसका, इसमें ये वीरभद्र की मूर्ति है इस मंदिर में। और इस मंदिर का निर्माण वीरूपन्ना ने किया था और इसको वीरभद्र टेंपल भी कहते हैं। देखो अब हम एंट्री कर रहे हैं मंदिर में। जैसे हम एंट्री करेंगे हम शुरू में देखेंगे कि ये नाट्य मंदिर है के सामने। जैसे अब हम अंदर जा रहे हैं, अभी सामने जो दिख रहा है वो पूरा नाट्य मंदिर है। देखो यहाँ पे मूर्तियाँ है, डांसिंग क्वीन बोलते हैं उसको। सब जो पिलर्स है उसमें बहुत सारे पिलर्स है, 70 पिलर्स है, और उसी पिलर पे सभी डांसिंग क्वीन है। और उस 70 पिलर में से एक पिलर ऐसा है जो कि हैंगिंग पिलर उसको बोलते हैं, हवा में लटका हुआ है, नीचे बस 1% जमीन पे है और उसी पे पूरा मंदिर टिका हुआ है। इसके पीछे एक कहानी ऐसी है कि अंग्रेजों के राज्य में जब उनको पता चला, कोई अंग्रेज का नाम था हैमिल्टन बोल के है, वो इंजीनियर था, उसको जब इसका पता चला कि एक ही खंभा लटका हुआ है, तो वो इसके बारे में रिसर्च करने के लिए आया था और वो उस पिलर को हिलाने की कोशिश कर रहा था, मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसको हिलाने की कोशिश की पूरा मंदिर हिल गया था। तो उसने अपना रिसर्च अधूरा ही छोड़ दिया था और वो चला गया था। तो अभी जैसे आगे जाएंगे हम, मैं आपको जो हैंगिंग पिलर है वो भी दिखाऊंगा। और ये जो नाट्य मंदिर है उसमें एक गाइड है जो कि लोकल है। देखो अब आप देख सकते हैं वो लोकल गाइड है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन लैंग्वेज की वजह से हमें इतना समझ नहीं आया। तो देखो अभी पूरी डांसिंग क्वीन है, इसको नाट्य मंदिर बोलते हैं। यहाँ पे पूरी जो मूर्तियाँ हैं वो पत्थर में बनी हुई है। अभी ऊपर देखो ये लोटस है, इसको शतपत्र कमल बोला जाता है। अंदर ये वीरभद्र स्वामी की मूर्ति है
आगे अंदर हमें वीडियो निकालने के लिए प्रोहिबिटेड किया गया था, तो अंदर के मूर्ति की वीडियो हम नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन आजू बाजू के आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मूर्तियां हैं उस दीवार पे उन्होंने की हुई। तो मैं आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हैंगिंग पिलर आपको दिखाता हूँ। अभी ये वीरभद्र की मूर्ति है और ये जो है उसको शिवलिंग बोलते हैं। देखो ये हैंगिंग पिलर है जो यहाँ पे हवा में लटका हुआ है, उसको हैंगिंग पिलर बोलते हैं। हमने नीचे से वो उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की है, लेकिन आप जैसे ही वहाँ पे जाओगे या झुक कर देखोगे आपको पूरा दिखाई देगा वहाँ पे। ओनली 1% वहाँ पे ज़मीन पे लगा हुआ है, बाकी पूरा 99% वो हवा में लटका हुआ है। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, उसके नीचे से कपड़ा डाल सकते हैं हम, पूरा कपड़ा जाता है अंदर से। बहुत सारे टूरिस्ट उनकी फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। भी जो लोग यहाँ पे आते हैं वो हैंगिंग पिलर देखने के लिए ही आते हैं। देखो वेदांत और अभी के आपको ये डेमो करके दिखा रहे हैं कि पूरा जो दुपट्टा है वो नीचे से जाता है वहां के, वहां से देखो। अभी बाहर से भी हम आपको दिखा रहे हैं हैंगिंग पिलर को वाला। देखो ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं वो कपड़ा डाल के। देखो अभी पूरा कपड़ा वहां से नीचे से इस साइड से उस साइड चला गया है। हम मंदिर की दूसरी तरफ आए हैं। देखो अब हम यहाँ पे थोड़ा पत्थर को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती चल रही है। पूरी कोशिश करते हुए हम पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और मेरा दोस्त वैभव और उसका बेटा विस्मय और हम सब पूरी फैमिली उस पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि वो पत्थर हिल जाए और बाकी सब लोग प्रॉब्लम आ जाए। इससे पहले हम वहां से निकलते हैं। अभी हम जा रहे हैं नागलिंगा की तरफ, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट नागलिंगा है जो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। ये देखिए आप सामने जो देख रहे हैं, ये इंडिया का विशाल नागलिंगा है। 7 हेड नाग का है वो, इसलिए नागलिंगा बोलते हैं। ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, इंडिया का लार्जेस्ट नागलिंगा बोला जाता है इसको।
अगर नागालिंगा के बाजू में है वो है, उसको बोलते हैं कल्याण मंडप, जो अभी अभी सामने जो आप दिख रहे हैं, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, ये है, ये पूरा कल्याण मंडप है। तो उसके पीछे की कहानी ऐसी है कि कल्याण मंडप राजा अच्युत देव राय जो थे उनका, उनके पास जो खजींदार था उसका नाम विरूपन्ना है, जो कि वो उसका निर्माण कर रहा था। तब कुछ मंत्रियों ने राजा अच्युत देव राय से उनकी शिकायत कर दी कि ये संपत्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो राजा अच्युत देव राय गुस्सा हो गए, उन्होंने फरमान जारी किया कि विरूपन्ना की दोनों आंखें निकाल के लेके आओ। तो जब ये इन्फॉर्मेशन विरूपन्ना के पास चली गई तो विरूपन्ना को बहुत बुरा लगा कि राजा जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं बिना छानबीन किए। तो उन्होंने, विरूपन्ना ने खुद ही अपनी हाथों से दोनों आंखें निकाल के फेंक दी, दीवार पे फेंक दी। तो उसकी वजह से ये जो कल्याण मंडप है वो अधूरा जैसे था वैसे ही रह गया। अभी देखो, आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीता मैया का पैर के निशान है। चलो अब जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको सीता मैया के पैर के निशान भी दिखा दूंगा। तो अभी जो भीड़ दिख रही है यहाँ पे, वहाँ पे देखो सभी सीता मैया के पैर है, उनको देख रहे हैं। तो इसके पीछे भी एक ऐसी कहानी है जो कि गाइड बता रहा था उनकी लोकल लैंग्वेज, लेकिन हमें पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने हिस्ट्री देखी या थोड़ा रिसर्च किया तो वहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे सीता मैया का पैर का निशान है वो जब जटायु मूर्छित पड़ा हुआ था तो वहाँ पे सीता मैया के पैर के निशान पे उन्होंने जो है वो पानी, जहाँ पे जटायु को पानी पीने के लिए पैर रखा था, तो उसने जटायु के लिए सीता मैया ने बोला कि जब तक राम आएंगे तब तक आपको ये पानी जीवित रखेगा। और इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि ये समर हो, कुछ भी हो, कितना भी गहरा समर हो, वो सूखता नहीं है कभी, एनी सीजन में वहाँ पे पानी रहता ही है। आप देखेंगे आजू बाजू में कहीं भी पानी का उसको सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमेशा वहाँ पे पानी रहता है। देखो गाइड ये बता रहे हैं अभी कि उस लेवल तक पानी पूरा रहता है। तो हमें जितना समझ में आया उस लैंग्वेज में, हमने बस उतना ही समझा कि सीता मैया का पैर है लेकिन ये कभी सूखा नहीं रहता। बाकी ये देखो बाहर का नज़ारा पूरा, इतना वो सब अच्छा उन्होंने पत्थर में बनाया हुआ है, सबसे बढ़िया है ये। जब भी हम जाते जाते वहाँ पे तो मन प्रसन्न हो जाता है, शांत लगता है वहाँ पे। तो मेरी आपसे विनंती है कि आप एक बार ज़रूर जाइए और इस प्लेस का नज़ारा देख के आइए और आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत ही बढ़िया मंदिर है और उसके बाजू में भी आप थोड़ी दूर जाओगे तो वो आपको नंदी की जो मूर्ति है वो भी आपको दिखाई देगी, उसका जटायु का जो है वो बहुत बड़ा स्टैचू है वो भी आपको दिखाई देगा। तो उन दो जो नंदी की मूर्ति है उसका जो मुख है उस मंदिर की तरफ किया गया है, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है वहाँ पे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आप एक बार ज़रूर वहाँ पे विजिट करके आइए। हर चीज़ में इसमें कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, लेकिन इतना हमें लोकल लैंग्वेज की वजह से समझ में नहीं आया। हर चीज़ में गाइड वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से हमें कुछ समझ में आया। तो अभी हमारी वीडियो शेयर, लाइक और ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।